रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हैं कि आपकी सरकार बनने वाली है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आने। नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैलम। दोस्तों, 22 के चुनाव के परिणाम को किसी ने अखिलेश को अभी ही बता दिया है। अखिलेश को अभी ही पता चल गया है कि 3 महीने बाद यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। आखिर कौन है जिसने ये अखिलेश को बता दिया कि इस बार तो सपा ही आएगी, कोई और नहीं? कौन अखिलेश के सपने में आया था, ये सब हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। 22 में सत्ता में वापस आने के लिए जब दिन रात एक किए हुए हैं अखिलेश, जब उनकी रैलियों में अपार भीड़ आ रही है, तो उनके सपने में कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण ने आकर ये बता दिया है कि इस बार तो सपा की ही सरकार बनेगी। ये बात खुद अखिलेश ने कही है। पूरी कहानी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश ने सपने को लेकर क्या कुछ कहा वो सुनिए। रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हैं कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हर दिन सपनों में। सुना आपने, अखिलेश कह रहे कि भगवान कृष्ण ने बता दिया है कि सपा की ही सरकार बनेगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण रोज उनके सपने में आते हैं और यही कहते हैं। दरअसल सोमवार को सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया वालों से बात कर रहे थे। इसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरिनाथ सिंह यादव ने जेपी नड्डा को खत लिखा है, कहा है कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए थे और कहा था कि योगी से कहो कि मथुरा से चुनाव लड़ें, इस पर वो क्या सोचते हैं, तब अखिलेश ने ये बात उस सवाल के जवाब में कही। यानी सियासत में पहले तो राम और परशुराम पर संग्राम है ही, अब कृष्ण की भी सपने के जरिए एंट्री हो गई है। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।